हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों, नवीन ब्लॉग्स एनआर में आपका स्वागत है दोस्तों। एक बार फिर से दोस्तों, आज हम जाने वाले हैं काली पुखरी देउल पूजा में। तो फाइनली गाइज, हम अभी पहुंच चुके हैं एंट्री गेट में। इस बार का ये 163rd देउल पूजा है, जिसे स्वारी उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये एक प्रकार का होली का मेला है। तो दोस्तों, सामने देख सकते हैं काफी तरह के मिठाइयां बने हुए हैं। दोस्तों, अभी भीड़ काफी कम है, लेकिन जैसे जैसे मेले का समय बीतते जाएगा, आप देखेंगे काफी भीड़ हो चुकी होगी। दोस्तों, ये मेले का मेन अट्रैक्शन है, जिसे निशान कहा जाता है। यहाँ पे काफी पूजा अर्चना भी होती है, लोग यहाँ पे आके माथा टेकते हैं। चलिए एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं। झापाओ झापाओ। दोस्तों, आप देख सकते हैं अभी काफी भीड़ हो चुकी है, पैर रखने की भी जगह नहीं मिल रही है। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे बच्चों के लिए और लेडीजों के लिए काफी चीजें हैं देखने के लिए। हाँ,
देख सकते हैं दोस्तों, शाम हो चुकी है। यहाँ का मेन अट्रैक्शन ये निशान है, जिसे होली के उत्सव में लोगों को दर्शन देने के लिए लाया जाता है और फिर इसे अपने मंदिर राजासरांग मंदिर में ले जाया जाता है और फिर अगले साल इसको इसी दिन फिर से लाया जाता है। चलिए दोस्तों, ये प्रोग्राम होने में अभी भी कुछ टाइम बाकी है, तो पहले थोड़ा और घूम लेते हैं, थोड़ा कुछ खा भी लेते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, ये छोटे लड़के जो यहाँ पे खड़े हैं, यही पालकियों को और ये निशान को फिर से मंदिरों में वापस लेके जाएंगे, जिस प्रक्रिया को देखने के लिए काफ़ी लोग अभी भी यहाँ पे रुके हुए हैं, क्योंकि यही इसका मेन अट्रैक्शन है, इसी को देखने के लिए ये मेला होता है। तो दोस्तों, अभी समय हो चुका है इन निशान और पालकियों को मंदिरों में ले जाने का, तो चलिए देखते हैं। Thank you.
दोस्तों देख सकते हैं रात हो चुकी है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कितनी भीड़ जमी हुई है। तो दोस्तों अब समय हो चुका है आपसे विदा लेने का, जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त।